स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जान लेते हैं आज कैसा रहेगा पूरे देश भर के मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सके। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जान लेते हैं क्या रहेगा आज मौसम का हाल। नई दिल्ली में मौसम का हाल। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में जून के आखिरी दिनों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आज की बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं नई दिल्ली में आज हल्की बारिश हो सकती है। नई दिल्ली में मानसून की एंट्री की बात करें तो दक्षिण भारत से चलकर अब मानसून अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य भारत और फिर 29 जून तक दिल्ली NCR पहुंच सकता है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 27 जून तक नई दिल्ली के इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसी के साथ दिल्ली वासियों को 40 डिग्री वाले टॉर्चर से राहत मिलेगी। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, रॉयलसीमा, तमिलनाडु, कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। अन्य राज्यों के मौसम का हाल। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही पूर्वी बिहार, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी इलाकों में आज बारिश होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आसमान में काले बादलों का डेरा रहेगा। यहां आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं गाजियाबाद में यहां बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन दोपहर या शाम तक आसमान में बादल छा सकते हैं। अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। देश के कुछ हिस्सों में मानसून की एंट्री हो गई है, वहीं कुछ राज्यों में मानसून की दस्तक बाकी है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो कल 22 जून को मानसून प्रायद्वीपीय के हिस्सों और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा है। दिल्ली में भी मानसून की एंट्री का पूर्वानुमान जताया है। इसी के साथ देश के लगभग हर राज्य को अब हीटवेव से राहत रहेगी। मौसम विभाग की माने तो देश के ज्यादातर राज्यों में अब हीटवेव से राहत मिलेगी। वहीं नई दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां। मौसम विभाग की माने तो देश के ज्यादातर राज्यों में अब हीटवेव से राहत रहेगी। वहीं नई दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कुछ राज्यों में मानसून की एंट्री हो गई है, वहीं कुछ राज्यों में अभी मानसून की बारिश का इंतजार बना हुआ। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और जुड़े रहें मौसम की ताजा जानकारी से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।